हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल द होम किचन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप इंस्टेंटली मक्खन निकाल सकते हैं और उसे आप एंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ या फिर किसी भी रेसिपी में, या फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं मक्खन मिश्री का भोग लगाने के लिए। बट आज के इस रेसिपी में खास बात ये है कि ये मक्खन यानी कि वाइट बटर निकालने के लिए आपको महीने भर की मलाई इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक शॉर्टकट है जिससे आप इंस्टेंटली बटर निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं ये क्या तरीका है। सो फ्रेंड्स, बटर बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ हैवी क्रीम यानी कि व्हिपिंग क्रीम, बट हम इसके लिए मिल्क बेस्ड व्हिपिंग क्रीम का ही यूज़ करेंगे। मैं यूज़ कर रही हूँ 300 ml क्रीम। आप जितनी क्वांटिटी में बटर निकालना चाहें उतने क्वांटिटी में क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो हैवी क्रीम की जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे बटर की क्वांटिटी कम निकलेगी। तो अब मैं यहाँ पर एक मिक्सर जार ले रही हूँ और जार में हम हैवी क्रीम ऐड कर देंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमें क्रीम एकदम चिल्ड यूज़ करना है। तो आज इस क्रीम का यूज़ करके हम इंस्टेंटली मिनटों में बटर निकाल सकते हैं और आप जब चाहे मक्खन यानी कि वाइट बटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे पराठे के साथ या फिर भगवान को मक्खन मिश्री का भोग लगाने के लिए या और किसी पर्पज़ के लिए, या फिर जैसे दाल मखनी बनाने के लिए। सो अब इस क्रीम को जार में ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सी में डालकर इसे फेंट लेंगे। फेंटते टाइम हमें इसमें पानी डालने की भी ज़रूरत पड़ेगी, बट फर्स्ट राउंड में हम इसे ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने क्रीम को थोड़ा सा फेंट लिया है और आप जैसा कि देख ही सकते हैं क्रीम एकदम व्हिप्ड क्रीम की तरह रेडी हो गई है। एकदम सॉफ्ट एंड क्रीमी व्हिप्ड क्रीम तैयार है, वो भी मिक्सर ग्राइंडर में। तो फ्रेंड्स, अभी क्रीम से व्हिप्ड क्रीम रेडी हो गई है। अभी हम इसे थोड़ी देर और फेंटेंगे ताकि इसमें से बटर निकल आए। नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप टेम्परेचर के हिसाब से ऐड करें। अगर आप इसे समर्स में बना रहे हैं तो आप ठंडा पानी डालें, अगर आप इसे विंटर्स में बना रहे हैं तो आप गर्म पानी का यूज़ करें। पानी की क्वांटिटी हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे दोबारा से मिक्सर में चला लेंगे और बस थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि पानी अलग छूट जाएगा और बटर निकल आएगा। तो ये मक्खन निकालने के लिए आपको महीने भर की मलाई इकट्ठी करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत फ्रेश क्रीम या फिर हैवी क्रीम का यूज़ करके झटपट से बटर निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं बटर निकल आया है और जो दूध था वो मक्खन से अलग हो गया है। यहाँ पर मैं एक बोल ले रही हूँ और बोल के ऊपर मैं रख रही हूँ सीव, और इसे छानने के लिए हम यूज़ करेंगे एक मसलिन क्लॉथ, या फिर आप कोई हैंकी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी किचन क्लॉथ। इस कपड़े के ऊपर हम ये दूध और मक्खन का मिक्सचर निकाल लेंगे। इससे दूध अलग निकल आएगा और मक्खन सेपरेट हो जाएगा। अब हम इसे अच्छे से प्रेस करके सारा मिल्क अलग निकाल लेंगे। या फिर आप चाहें तो इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एंड ये देखिए, हमारा इंस्टेंट बटर तैयार है। तो है ना बहुत ही सिंपल इस तरीके से बटर निकालना। तो ये हमारा इंस्टेंट मक्खन तैयार है। इसे आप जिस रेसिपी में यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, बहुत ही इजीली फटाफट से हमने मक्खन निकाल लिया है और वो भी बिना मलाई इकट्ठा किए, यूजिंग द फ्रेश क्रीम और द व्हिपिंग क्रीम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मक्खन तो हो गया है रेडी, अब आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर ले लिया है और इस मक्खन को हम पार्चमेंट पेपर में पैक कर लेंगे, अच्छे से रैप कर लेंगे। और इस तरीके से रैप करके आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे जैसे चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
और ये देखिए मक्खन अच्छे से फ्रिज में सेट भी हो गया है। आप चाहें तो इसे पीसेस में कट करके भी रख सकते हैं एंड इंस्टेंटली इसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मक्खन यानी कि वाइट बटर तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं एंड बना सकते हैं इंस्टेंटली वाइट बटर। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन, गुड बाय।